दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन को घर में यूज़ करते हैं या फिर चार्जिंग पे थोड़े टाइम के लिए लगा के चले जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है उस चार्जिंग के टाइम के दौरान आपका फ़ोन किसी ने यूज़ करा है, ये डाउट अगर मन में आता है। या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका फ़ोन अगर आपका फ्रेंड आपसे मांग लेता है तो वो आपके फ़ोन में जिस चीज़ के लिए मांगा है वो चीज़ ऑन नहीं करता, बाकी की सारी चीज़ें छेड़ने लग जाता है, आपके मैसेजेस चेक करने लग जाता है और पर्सनल फाइल्स में घुसने की कोशिश करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग पता कैसे लगा सकते हैं कि किस किस ने आपका फ़ोन यूज़ करा है बिना आपकी परमिशन के, और आप एक एक चीज़ का ट्रैक रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम कल के पोल की बात कर लेते हैं। कल मैंने एक पोल रखा था कि व्हाट्सएप पर जो भी फॉरवर्ड फेक मैसेजेस आते हैं उन्हें आगे फॉरवर्ड करने से पहले कितने लोग एक बार रिसर्च कर लेते हैं और कितने लोग डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देते हैं। तो 75% लोगों ने कहा है कि वो रिसर्च करते हैं आगे कोई भी फेक मैसेज फॉरवर्ड करने से, और 25% लोगों ने बोला कि हम भाई कोई रिसर्च नहीं करते, हम डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देते हैं जैसा हमें फॉरवर्ड होकर आता है। अब आज के लिए मेरे पास आप लोगों के लिए एक सवाल है कि आप लोगों को क्या लगता है, जब आपका फ़ोन चार्ज होता है तो आपके फ़ोन को कोई देखता है, आपके फ़ोन में उंगली करता है कि नहीं करता, मतलब आपके फ़ोन को कोई और यूज़ करता है कि नहीं करता। तो अगर हाँ तो कमेंट में भी जवाब दे देना, और रीज़न हो तो वो भी बता देना, अदरवाइज आप पोल में क्लिक करके ऑप्शन दे सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को एक एप्लीकेशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, एप्लीकेशन बहुत कमाल की है। एप्लीकेशन आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह। तो एप्लीकेशन का जो नाम है वो है, आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ऐप यूजेज एंड ट्रैकर। अगर आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली तो ये मेरा फ़ोन नहीं है, मेरे कज़न का फ़ोन है, इस वजह से मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाकी फ़ोन में आप लोगों को कुछ भी हिस्ट्री देखने को नहीं मिलेगी, तो इस फ़ोन में आपको हिस्ट्री तब भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मोस्ट यूज्ड ऐप्स देख सकते हो आज की तारीख की, और देख सकते हो ऊपर की तरफ अगर मैं आऊँगा तो ये सिर्फ 10 अप्रैल आ रहा है, मोस्ट यूज्ड ऐप 10th अप्रैल, मतलब आज के दिन कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज़ हुई है सबसे ज़्यादा। तो टिकटॉक यूज़ हुआ 1 घंटा 47 मिनट, वाई आई डोंट नो। उसके बाद फ़ोन एप्लीकेशन यूज़ हुई है कॉल वॉल करने के लिए 1 घंटा 11 मिनट। उसके बाद पबजी खेला गया 45 मिनट्स आज के लिए इस फ़ोन पे। और मोस्ट विजिटेड और मोस्ट यूज्ड में फ़र्क है। मोस्ट यूज़ मतलब जिस पे आपने सबसे ज़्यादा टाइम समय बिताया है, मोस्ट विजिटेड मतलब आपने सबसे ज़्यादा जिस एप्लीकेशन को ओपन करा है। तो सबसे ज़्यादा ओपन करा है कॉन्टैक्ट्स को, डायलर को, फ़ोन को और टिकटॉक को। तो यहाँ पे नीचे कैटेगरीज आ जाती हैं कि आपके फ़ोन में कौन कौन सी एप्लीकेशन की छेड़छाड़ हो रही है, सोशल वाली है, कम्युनिकेशन, सोशल एंड कम्युनिकेशन, गेम्स, मूवीज़ एंड वीडियोज़। और नीचे पूरा आपको ग्राफ देखने को मिल जाता है, पिछले 7 दिन की भी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है, जैसे 4 से 10 अप्रैल, तो पूरे एक हफ्ते की आपको डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और पूरा उसी तरीके का ग्राफ है। तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप ईच एंड एवरी डिटेल अपने फ़ोन के बारे में पता लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारी चीज़ें, बैटरी हिस्ट्री है, तो आप लोग ये भी पता लग सकते हैं कि आपकी बैटरी किस तरीके से काम कर रही है, और फ्रंट पेज से ही आपको पता चल जाएगा आपके दोस्त ने आपके फ़ोन को छेड़ा है कि नहीं छेड़ा है। और अगर आपको डिटेल वाइज अपने डिवाइस की हिस्ट्री देखनी है तो आपको फिर से इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा चेक डिवाइस हिस्ट्री, इस पर जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग बार चार्ट व्यू भी देख सकते हैं, टाइमलाइन व्यू भी देख सकते हैं, कौन सी ऐप यूज़ हुई है, इवन जो स्क्रीन लॉक एंड ऑफ का टाइम होता है वो भी ये बताता है कि 8:57 पे मैंने फ़ोन का लॉक, मतलब फ़ोन को लॉक किया है, स्क्रीन ऑफ, 8:59 पे स्क्रीन अनलॉक्ड हुई है, देख सकते हो स्क्रीन ऑन आ रहा है। तो इतनी डिटेल तो मुझे नहीं लगता कोई और एप्लीकेशन देती ही है। ये एप्लीकेशन स्क्रीन कब ऑफ हो रही है, स्क्रीन कब ऑन हो रही है वो भी बताता है। और आज मैंने डिवाइस कितनी बार चेक किया है, 96 टाइम्स, मतलब मैंने नहीं बट स्टिल 96 टाइम्स आप लोग देख सकते हो। तो एक एक चीज़ आपको इस एप्लीकेशन में देखने को मिल जाती है। यहाँ पे डेली रिपोर्ट है, वीकली रिपोर्ट है, मंथली रिपोर्ट है, और यहाँ पे आप हिस्ट्री भी जान सकते हो अपने फ़ोन की, जैसे ही मैंने आप लोगों को दिखाया ईच डे की, और डे बाय डे, वीक बाय वीक, वो सब आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अगर आपके फ़ोन में अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि उसने कौन सी एप्लीकेशन खोली है और कितनी देर उस एप्लीकेशन पर बिताया है टाइम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप सभी को पता लग गया होगा कि आप अपने फ़ोन का ट्रैक कैसे रख सकते हैं और अपने चालबाज दोस्तों को भी पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को दीजिए एक बड़ा सा लाइक, ऐसे बड़ा सा लाइक मतलब होगा इतना ही बड़ा, पर नीचे करके दे सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना ताकि रोजाना मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो बनाता हूं आप लोग देख पाए, क्योंकि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप लोगों को फिर चैनल मिलेगा नहीं। तो सब्सक्राइब कर देना, मैं रोजाना अमेजिंग वीडियोस बनाता हूं, आप लोग देख पाओगे, नोटिफिकेशन आ जाएगी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।